नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल मजे में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अभी ठंडियाँ बहुत पड़ रही है और साथ में शादियों का सीजन भी चालू हो गया है। तुलसी विवाह के बाद से ही हमारे यहाँ शादियाँ शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, दुल्हन जो होती है, जो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, वो हफ्ते भर पहले से ही पार्लर जाना शुरू कर देती है और हजारों रुपए खर्च कर देती है, महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराती है। उसके बाद भी उसको वो निखार, वो ग्लो नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या होता है ना, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है, जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो कराते हैं, ब्राइडल ट्रीटमेंट, वो उतना अच्छा नहीं होता है। वो बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी जैसा वो चाहते हैं वैसा ग्लो नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताने वाली हूँ, अगर आपकी खुद की शादी है या आपके घर में शादी है तब आप इसको यूज़ कीजिए। आप देखोगे कि आपके चेहरे पर इतना निखार आएगा और सारे लोग आपके इतने फैन हो जाएंगे और सब लोग पूछेंगे आपको कि आपने कहाँ से जो है ये ट्रीटमेंट कराया है ना। और क्या होता है कि अगर अपना चेहरा और बाल बहुत अच्छे होते हैं ना, तो जो मेकअप करने वाले हैं वो भी, यानी कि उनको भी बहुत अच्छा लगता है। एक जो मेकअप है वो उभर कर आता है ना। नहीं तो क्या, अगर चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो, ये हो, तो उतना मेकअप उसके ऊपर उठकर नहीं आता है। तो चलिए फटाफट से हम रेमेडी तैयार करते हैं। घर के ही इंग्रेडिएंट है, आपको पता है मेरे जो ज़्यादातर जो मेरे जो इंग्रेडिएंट रहते हैं घर के अंदर ही रहते हैं, घर के ही होते हैं, कहीं बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो किचन में चलते हैं, फटाफट से बनाते हैं रेमेडी और मैं आपको जल्दी से अपने चेहरे पर ये रेमेडी, ये फेस पैक लगाकर दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ चिरौंजी। ये वही चिरौंजी है जो हम मीठा बनाते हैं ना, उसमें डालते हैं, खीर हो गया, हलवा हो गया, तो हम उसमें ये डालते हैं। तो आपको पता है इसमें जो क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसमें चिरौंजी जो है त्वचा को हाइड्रेट करती है और प्राकृतिक नमी को लॉक करने का काम करती है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें फैटी एसिड पाया जाता है जो कि स्किन से झुर्रियाँ, झाइया, पुराने दाग धब्बों को कम करने का और उनको हटाने का काम करती है। तो ये मैंने ना इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमको इसमें दूसरी चीज़ और क्या लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने ली हुई है मसूर की दाल। ये देखिए, इसको मैंने ना रात को भिगो दिया था। तो मसूर की दाल से आपको पता है जो टैनिंग की समस्या होती है ना वो दूर हो जाती है। टैनिंग, पिंपल्स की प्रॉब्लम जो होती है ना मसूर की दाल से दूर हो जाती है, क्योंकि ये एक्सफोलिएट इसमें गुण पाए जाते हैं जो मुहासे और ब्लैकहेड से छुटकारा दिलाने में मदद करती है और साथ में ब्लीचिंग का भी काम करती है, आपके स्किन को हटाने में मदद करती है और आपके स्किन को क्या करती है, ये ग्लो देती है और पिंकिश कलर देती है ना। तो मैं यहाँ पर अभी तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पर क्या ली हुई है पता है, तीसरी चीज़ यहाँ पर ली हुई है मैंने बादाम। देखिए, मैंने यहाँ पर 12 से 15 बादाम जो है रात को भिगो कर रख दिए थे और ये अच्छी तरह भीग चुके हैं। इनमें बादाम में क्या क्या पाया जाता है ये आपको सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। बादाम में भारी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है जो कि स्किन को अंदर तक मॉइस्चराइज करता है और इसे चेहरे पर लगाने से एक्ने की समस्या दूर हो जाती है और इसके साथ ही स्किन को अंदर तक साफ करने में मदद करता है। तो इसके बाद हमको ना एक खाली पॉट लेना है, मिक्सर का छोटा वाला ले लीजिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, और सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ और इसको एकदम बारीक पेस्ट में इसकी बना लेती हूँ, ठीक है। लेकिन हमको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठीक है, हमको इसको पानी डालकर नहीं पीसना है, हम इसमें डालेंगे कच्चा दूध। तो इसके बाद मैं मसूर की दाल भी डाल देती हूँ। और ये चिरौंजी डाल देती हूँ।
और अब हम इसमें डालेंगे कच्चा दूध, ठीक है। कच्चा दूध हमको उतना डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हम इसमें इसको पीसेंगे और देखेंगे कि ये थोड़ा सा दरदरा है या इसमें दूध की और ज़रूरत है, उसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे, इकट्ठा नहीं डाल लेंगे, है ना। तो कच्चा दूध यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो कच्चे दूध के तो आपको पता है कई तरह से फ़ायदेमंद है कच्चा दूध, और इसका इस्तेमाल करने से पता है दाग धब्बे और टैनिंग जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जिससे कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं ये डाल लेती हूँ इतना, और इसको मैं अब आपको मिक्सर में पीस के बताती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने पीस लिया एकदम बारीक, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बालों को ऊपर बांध लिया है, और अब हमको सबसे पहले अपना फेस क्लीन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कच्चा दूध और कॉटन बॉल ले रही हूँ, ठीक है। ऐसे मेरा फेस जो है मेकअप नहीं है, साफ ही मैंने लिपस्टिक और काजल लगाया हुआ है। कच्चा दूध लीजिए या फिर कॉटन बॉल, अपना रोज वाटर ले लीजिए, या अगर नहीं तो फेस को क्लीन करके आ जाइए, ठीक है, पानी से। तो ये हो गया जी हमारा चेहरा क्लीन, और मैं गर्दन पे भी ये पैक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने बालों को ऊपर बांध लिया है। और गर्दन से देखिए काला पन निकल रहा है गर्दन का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फेस जो था थोड़ा क्लीन ही था, विदाउट मेकअप था। गर्दन को मैं थोड़ा सा अच्छे से देखिए, गर्दन से निकल रहा है कालापन, इसलिए इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह। और अब मैं आपको, बाप रे कितना काला हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो होता है ना दिखाई नहीं देता, ये समझ रहे, ये कच्चा दूध है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको धोए बिना भी इसके ऊपर ये लगा सकते हो। देखिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है, और हम इसको सीधे हाथ से ही लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही इसके फ़ायदे बता दिए हैं। अगर आपके स्किन पे जो दाग धब्बे भी है, दाग धब्बे पुराने एक्ने की प्रॉब्लम है ना, या पिंपल्स है, वो भी इस पैक से बिल्कुल सब हट जाएंगे। आपको ये पैक कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो तो मैं बता रही हूँ, लेकिन कब लगाना है, मान लीजिए कि आपके यहाँ शादी है बहुत जल्दी, या एक महीना बाकी है, तो आप इसको एक महीने तक लगाइए, जब तक शादी है, है ना, शादी की डेट है जब तक कि आप इसको लगाइए, या फिर 21 दिन तो आपको इसको कम से कम यूज़ करना ही है, ठीक है। 21 दिन आपको इसको यूज़ करना है, और 21 दिन बाद आप देखिए क्या कमाल होने वाला है। आपके चेहरे की झुर्रियाँ, दाग धब्बे सब हट जाएंगे, और इतना निखार आएगा, ज़बरदस्त निखार आएगा आपका चेहरे पे। तो ये मैंने यहाँ पर अपने फेस पे पूरा लगा लिया है, आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको सूखने देना है। मैं आपको शादी के लिए, अगर आपकी शादी है या आपके घर में शादी है, उसके लिए दो टिप और दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने नाभि पर तेल लगा कर रखना है, कोई भी आलमंड ऑयल लगा लीजिए या नारियल का तेल, जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको 24 घंटे लगा कर रखना है, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल या फिर बादाम का तेल। अगर ये नहीं है, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको 24 घंटे लगा कर रखना है अपना नाभि पर, ठीक है। इसके बाद आपको एक टिप मैं और ये दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा। कौन सा वाला,
अपने जो घर में जो होता है ग्रीन लीव्स जो होती है इसकी वाली एलोवेरा लेना है, और इसको क्या करना कट करके अपने को आपको जो कस्तूरी हल्दी होती है, ठीक है, जो चेहरे पर लगाने की जो होती है वही वाली हल्दी लेना है आपको, किचन की हल्दी नहीं लेना है। उस हल्दी को उस जेल में मिक्स करना है, कौन से जेल में, एलोवेरा जेल में, ठीक है, और उसको आप लगा लीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, और उसको मसाज करते हुए अपने घंटे पर कम से कम एक घंटा रखिए, एक घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो आपकी श्रद्धा है, ठीक है, उसको रखिए, और उसके बाद अपना चेहरा पानी से वॉश कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप ये वाला जो फेस पैक है ये लगा सकते हो, और 21 दिन तक आपको अपने चेहरे पर साबुन नहीं लगानी है, कोई भी फेस वॉश नहीं लगाना है, ठीक है, आपको 21 दिन तक सिर्फ यही लगाना है। जब आप ये लगाओगे ना तो आपको हो सकता है स्किन अंदर से ऐसे चुन 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 करे थोड़ी सी, तो डरने की कोई बात नहीं है, ये अपना काम कर रहा है इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये लगाओगे उसके बाद आप देखोगे कि आपको यानी कि मॉइस्चराइजर लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको इतना चेहरा, जैसे हम दूसरा फेस पैक लगाते तो स्किन कैसे खींची खींची सी लगती है, ये लगाने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये इस फेस पैक की क्वालिटी है, मतलब है ना कि ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, मतलब सॉफ्ट रखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सुबह और शाम दो टाइम लगाना है, और आप इसको क्या करते हैं पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, ठीक है, बादाम हो गया और दाल हो गई और चिरौंजी हो गई, इन तीनों को आप क्या कीजिए मिक्सर में पीस लीजिए इकट्ठे। अगर आपके यहाँ एक महीना बाकी है शादी को, या 15 दिन है, या 21 दिन है, जितने भी, तो आप इसको एक मिक्सर में पीस के अच्छा बारीक फाइन पेस्ट बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, ठीक है। अब जब आपको नहाना है या जब आपको लगाना है इसको, तो कच्चे दूध में, एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए और एक चम्मच ये पाउडर ले लीजिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए दोनों को, और अपने फेस पर लगा लीजिए। अगर नहीं तो फिर ये करना पड़ेगा आपको, ये मैंने जो आज बनाया है ये मेरे को 3 दिन आराम से चल जाएगा, ठीक है, यानी कि तीन दिन, मतलब 6 टाइम मैं इसको सुबह शाम करके लगा सकती हूँ, तो फिर मेरे को और बनाना पड़ेगा, इसलिए अगर आप 10-10 दिन का भी बनाकर रख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको इसको लगाने के बाद बात नहीं करनी है, आप इसको लगाने के बाद टीवी देखिए, किचन में कुछ काम है वो करिए, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, नींद लीजिए, बुक्स पढ़िए, जो भी है, ठीक है, बात नहीं करना है आपको इसको लगाने के बाद। तो मैं आपको बता रही हूँ ये, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो ये लगभग अभी सूखने में आ ही गया है, तो आपको क्या करना है, इस पैक को ना 45 मिनट अपने चेहरे पर रखना है। अब ये पैक तो 10 मिनट में 15 मिनट में सूख जाएगा, अब कैसे करें इसको गीला, इसको आप क्या करिए पानी की मदद से थपथपी दे दीजिए, और फिर से इसको अपने चेहरे पर 15 मिनट तक रखिए, 15 मिनट बाद ये फिर सूख जाएगा, इसको फिर से गीला कर लीजिए थपथपी मार के पानी से, या रोज़ वाटर से, रोज़ वाटर ले लीजिए, कॉटन को डुबा दीजिए उसमें, और उससे इस तरह से अपने चेहरे पर लगा लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कम से कम 45 मिनट तक के इसको अपने फेस पर रखना है, ठीक है। मैं आपको अभी ये 15 मिनट बाद ही धो के दिखा दूंगी कि एक ही बार में आप इसका फ़र्क आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है तो फिर इसको आपको टाइम लगेगा, और आपको इसको कम से कम मैं आपको बता रही हूँ बार बार 21 दिन ये करना है आपको, ठीक है। तो मैं अभी वेट करती हूँ और आपको फेस धो के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा ड्राई हो गया है, और मैं इसको अब वॉश करके आती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना क्लीन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये लगाओगे तो आपको साबुन नहीं लगाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, और जिनके यहाँ शादी है या जिनकी शादी होने वाली है उसको ये फेस पैक लगाने के बाद फेशियल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इसी पैक से आपका बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया वाला निखार आएगा, बहुत ग्लो आएगा चेहरे पर, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसके जो रिज़ल्ट है मेरे साथ शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।